हरे कृष्णा, हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 28 के ऊपर। तो यहाँ पर आज हम श्लोक संख्या 2 ले रहे हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि कपिल देव भगवान ने जब देवहूति माता को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया कि कैसे मुक्त हुआ जाए 3 बंधन 3 गुणों की रस्सी से, तो देवहूति माता ने प्रश्न किया कि प्रभु, इसके लिए तो योगी बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तो कैसे बना जाए योगी, कैसे बना जाए एक भक्त, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। 3 स्कंद के अध्याय 28 श्लोक संख्या 2। स्वधर्म आचरणम सक्तेह विधर्मार्च निवर्तनम देवल्लब्धेन संतोष आत्मविक चरणार्चनम। तो यहां पर बताया है कैसे योगी बना जाए। सबसे पहले बताया है स्वधर्म आचरण, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या होता है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, मेरा कुछ कर्तव्य है जहां मैंने जन्म लिया, जिस आश्रम में मैं हूं। अगर ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचारी के कुछ नियम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। गृहस्था हूं तो गृहस्था की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थी, सन्यासी हो तो सन्यासी। जो ड्यूटीज जो हमारे को प्रिस्क्राइब किया गया है, जो हमें स्वधर्म दिया गया है, जैसे मैं गृहस्थ का उदाहरण लूं, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति का स्वधर्म है अपनी पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें भोजन देना, उनकी मति को भगवान की ओर ले जाना, उनको दवाई दिलवाना, शिक्षा दिलवाना, वस्त्र दिलवाना, भोजन दिलवाना। इस स्वधर्म को त्याग करके नहीं समझ में आता, तो इसलिए स्वधर्म आचरण, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का आचरण करता है, शक्तया यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार, शक्तया अपनी शक्ति, जितनी उसकी शक्ति है, यथाशक्ति, ये नहीं कि वो लोन ले ले बड़े बड़े और फिर बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दे, बेटा पढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए एजुकेशन लोन लिया है, अब तुम नौकरी करो, काटो दूसरे की गर्दन, बन जाओ गंदे आदमी और लाओ पैसा, अब दो फैमिली को, ऐसा नहीं। उसको उतना ही जितना वो कमा रहा है यथाशक्ति उसको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों की चीटिंग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं विधर्म, विधर्म चा निवर्तनम, जो शास्त्रिक चीजें नहीं है, जो आपका काम नहीं है उसको त्याग देना चाहिए। लोग दूसरों का काम कॉपी करते हैं, दूसरों का काम कॉपी करते हैं, हैं क्षत्रिय ब्राह्मण को कॉपी करेंगे, हैं ब्राह्मण वैश्य को कॉपी करेंगे। कॉपी नहीं करना है किसी को भी, जो आपका ऑथराइज काम नहीं है वो आपको नहीं करना है, वो आपको त्यागना है। फिर कहते हैं ये होगा कैसे, देवत यानी कि भगवान की कृपा से आप ऐसा कर पाएंगे। अगर आप भजन करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप इस कार्य को पूर्ण रूपेण कर पाए, कि करूं क्या और क्या ना करूं। डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव, ये मेरे लिए है ये मेरे लिए नहीं है। लब्धेना संतोष, और साथ में इससे क्या आएगा, संतोष। जितना मिल जाए उतने में जीवन गुजर करना चाहिए, संतुष्ट होकर के। संतोषे परमम सुखम, ज्यादा की अभिलाषा में ग्रस्त जीवन या जो भी आश्रम है उसमें लालच नहीं। आजकल देखते हैं ग्रस्त के नाम पर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर लालची हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं और मारकाट मचा रखी है संसार में, मैं ये बना दूंगा बच्चों के लिए, वो बना दूंगा, ये नहीं। यथाशक्तये देवत्वम, इन शब्दों को याद रखिए। जितना हमारे कर्म में हमें प्राप्त हो उससे संतुष्ट होकर यथाशक्ति उतने में जितनी जिम्मेदारी निभा सकते उतना निभाइए। और क्या करना है, आत्मविद चरण अर्चनम। आत्मविद, जो गुरुजन है, जो आत्मविद है, जो अपनी आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे है, उनकी चरण अर्चन, उनकी चरण सेवा, यानी उनसे शिक्षा लेकर दीक्षा लेकर उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलना, उसे अर्चनम कहते हैं। ये नहीं कि चरण के दिया घुमा दिया अर्चनम, उनके चरण अर्चनम का मतलब है आत्मविद व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना, जैसा उसने गाइड किया है वैसे चलना। अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट रहता है, सच बोलता है, शांत रहता है, अपने मन को भगवान के दर्शन में, भगवान अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में, अपने मन को भगवान के चरणों पे, कानों को भगवान की कथा सुनने में, हाथों को भगवान के माला जप में, इन पैरों से भगवान की परिक्रमा में,
किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कंपटीशन नहीं करता, प्रतिस्पर्धा नहीं करता, शांत चित्त रहता है, आत्मवित गुरु की सेवा करता है और उसके बताए रास्ते पर चलता है और अपने स्वधर्म का पालन करता है। स्वधर्म छोड़ना नहीं है कि भक्ति वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन कितनी करनी है, जितनी शक्तया जितनी शक्ति है, देवत्वम जितनी देवताओं ने तुमको पूर्व जन्म के कर्मों से प्रारब्धिक धन दिया है, समय दिया है, आश्रम दिया है, उसके अनुसार चीटिंग करके लूट खसोट करके ये नहीं कहा है। तो अगर आप इसको समझ गए तो आप योगी बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। कपिल देव भगवान ने दोहोती माता को ये ज्ञान प्रदान किया इस अध्याय में, आशा करते आप समझे होंगे। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण।